क्या, बड़े बड़े रॉक स्पीड में वेदा सिटी की तरफ गिर रहे हैं। लगता है लैंडस्लाइड हो रहा है। जल्दी वापस चलो, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लड्डू सिंह जी, ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर वेदा सिटी की तरफ आ रहे हैं। शहर में जल्दी सबको अलर्ट कर दीजिए। क्या पत्थर, कैसे, कब, कहां, क्यों? शिवा, थैंक यू वेरी मच। शिवा, आज तक कभी ऐसा लैंडस्लाइड वेदा सिटी में नहीं हुआ। अचानक ये सब कैसे? रेवा, नेचुरल कैलामिटीज बोलकर नहीं आती। पर्वतों के राजा तुम सबसे नाराज हैं। मैंने स्वयं पर्वतों के राजा से बात की है, उन्होंने ही मुझे बताया है। अच्छा, पर्वतों के राजा, वो कौन है, कहाँ रहता है? वो पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो। बालक, एक साथ इतने सवाल, थोड़ी सांस तो ले लो। मैं हूँ पहाड़ी बाबा, मेरा निवास पहाड़ों में ही कई सालों से है। इतने सालों पहाड़ों में रहते हुए मैं उनकी भाषा समझ सकता हूँ। पहाड़ों के राजा चाहते हैं तुम सब शहर छोड़कर जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, वरना वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। पर हम सब ने उनका क्या बिगाड़ा है? उनका कहना है कि तुम लोग पहाड़ों की सुंदरता खराब कर रहे हो। पर्वत के राजा, पहाड़ी बाबा, अच्छी कहानी है। लगता है बालक तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है। ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। इस समय पर्वत राजा हमसे कह रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं समझे तो रात में फिर तबाही होगी। मैं चलता हूँ। तो बताइए पहाड़ी बाबा, हमारी आज की रेड कैसी रही? हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रेड अच्छी रही, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। ये शहर मुझे खाली कराना है, यहाँ पर मैं अपनी माउंटेन सिटी बनाऊंगा। एक हफ्ते में अगर मैंने इस वेदा सिटी को पूरा खाली नहीं करवाया तो मेरा नाम भी पहाड़ सिंह नहीं। लगता है कि पहाड़ी बाबा की बात किसी ने मानी नहीं। मानेंगे, जरूर मानेंगे। जो मान जाए वो बच गया, वरना हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। रात होने वाली है, जाओ एक और रेड की तैयारी करो। ऑल रेडी? यस रेडी, यस रेडी। बाय बाय, काम करके लौटना।
लड्डू सिंह जी, बताइए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, इससे निपटने का फिलहाल मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तरीका है, तरीका है। शहर छोड़ के भाग जाओ, खाली कर दो ये शहर, वरना सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू शिवा। पहाड़ी बाबा, क्या आप हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू देने आ सकते हैं? जब कोई बचेगा ही नहीं तो मेरा इंटरव्यू कौन सुनेगा और कौन देखेगा? कृपा करिए, उन चट्टानों को रोकिए। प्लीज अपने फ्रेंड पर्वतों के राजा को बोलिए कि रुक जाए। मैं सिर्फ कुछ ही देर के लिए उनको रोक सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि पर्वत के राजा का सामना करूं। रुक जाओ साथियों, बॉस ने रुकने का ऑर्डर दिया है। कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। ओके, सब ध्यान से सुनो, बॉस हमें पीछे जाने को कह रहे हैं। सब रिवर्स कर लो जल्दी, बॉस कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। पर्वतों के राजा ने एक दिन का टाइम दिया है, सब शहर छोड़ के चले जाओ वरना सब खत्म। रेवा, कुछ गड़बड़ लगती है, मैं इस बाबा का पीछा करता हूँ। ड्राइवर, उस बच्चे की नजरों से बचकर कार निकालो। बाबा सब कुछ झोल मोल ही लगता है, ऐसी बातें तो बस स्टोरीज में ही होती हैं। अगर रॉक्स बर्बादी करने ही आते हैं तो कहीं तो रुकने चाहिए। सब रॉक्स आते हैं और तोड़ फोड़ करके कहीं गायब हो जाते हैं, एक भी पत्थर नहीं दिखता है। मुझे लगता है अब की बार मुझे रॉक्स का ही पीछा करना चाहिए। वो देखो, फिर से पत्थर आ रहे हैं शिवा।